हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज गायत्री. वेलकम बैक टू अनदर क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10 चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.1. एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फॉलोइंग फिगर फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स. तो यहाँ पर हमें कुछ पॉलिनोमियल्स के ग्राफ दिए हुए हैं और ये जो पॉलिनोमियल है वो एक्स वेरिएबल के पॉलिनोमियल्स हमें यहाँ पर दिए हुए हैं. फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस. तो यहाँ पर हमें पी एक्स वेरिएबल के जो पॉलिनोमियल्स हैं उनके हमें नंबर ऑफ जीरोज जो है वो फाइंड करने हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट करते हैं. यहाँ पर हमें ग्राफ दिया हुआ है. अब जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में किया था कि जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है पॉलिनोमियल्स का, यानी कि जब हम ग्राफ पे हम पॉलिनोमियल्स को ड्रॉ करते हैं, तो अगर हमारा लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है तो क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो वन होती है, तो उसे वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि उसमें जो जीरोज होते हैं वो वन होते हैं. इसी तरह से अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है तो उसकी डिग्री टू है, यानी कि वो टू पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है ग्राफ पे. और इसी तरह से अगर हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो क्योंकि उसकी डिग्री थ्री है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज जो होते हैं उसमें थ्री होते हैं, यानी कि अगर हम उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करें ग्राफ पर तो वो थ्री पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है. तो इसी तरह से जो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, इसमें हम देख सकते हैं कि एक्स पे कहीं पर भी ये जो हमारा ग्राफ है वो इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है. जो हमने लाइन इसमें ड्रॉ की हुई है वो एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट नहीं हो रही है कहीं पर भी, तो यहाँ पर कोई भी जीरो नहीं होगा, यानी कि नो जीरोज. इसी तरह से इसका हम सेकंड पार्ट देखते हैं. तो ये जो सेकंड फिगर हमें दिया हुआ है इसमें जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस पे वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसीलिए इसमें जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो कितने होंगे, वन जीरो होगा. थर्ड पार्ट में जो हमें ग्राफ दिया हुआ है इसमें ये थ्री पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है यहाँ पर, वन टू थ्री, तो इसमें जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो कितने होंगे, थ्री होंगे. फोर्थ पार्ट में जो एक्स एक्सिस है उस पर टू पॉइंट पे हमारा ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो टू जीरोज होंगे. नेक्स्ट में इस फिगर में हम क्लियरली देख रहे हैं कि जो हमारा ग्राफ है वो एक्स एक्सिस पे फोर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि फोर इंटरसेक्शन पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो फोर होंगे. लास्ट जो हमें फिगर दिया हुआ है यानी जो ग्राफ है इसमें हमें ये एक्स एक्सिस पे थ्री पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो थ्री जीरोज होंगे.